श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध प्रथम अध्याय मुनियों की जिज्ञासा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और सभी ब्रह्मांडों की उत्पत्ति पालन तथा संहार के समस्त कारणों के मूल कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के तीन गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थाई रूप से प्रकट होते हैं और वास्तविक लगते हैं जबकि ये वास्तविक नहीं होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रम पैदा करने वाले रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कार्यों को पूर्ण रूप से अलग करते हुए सर्वोच्च सत्य को बतलाता है जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों को समझ में आ जाता है। यह सर्वोच्च सत्य और वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यासदेव द्वारा संकलित यह सौंदर्य पूर्ण भागवत ईश्वर के साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। अतः भागवत के अतिरिक्त अन्य किसी शास्त्र की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। हे विज्ञ एवं भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पके हुए फल श्रीमद् भागवत को जरा चख कर देखो। यह श्री शुकदेव गोस्वामी के मुख से निकला हुआ है, अतएव यह और भी अधिक स्वादिष्ट हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत सभी व्यक्तियों के लिए पहले से ही स्वादपूर्ण था। एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले श्रवण यज्ञ को संपन्न करने के लिए उद्देश्य से एकत्र हुए। एक दिन यज्ञाग्नि जलाकर अपने प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर तथा श्री सूत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक उनसे
निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे। मुनियों ने कहा, हे पूज्य सूत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए प्रसिद्ध समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में भी निपुण हैं, क्योंकि आपने समुचित मार्गदर्शन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। हे सूत गोस्वामी, आप ज्येष्ठतम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार व्यास देव के ज्ञान को जानते हैं और आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण हैं। इससे भी अधिक, क्योंकि आप विनीत हैं, अतएव आपके गुरुओं ने आपको एक योगी शिष्य जानकर आप पर सभी प्रकार से अनुग्रह किया है। अतः आप हमें वह सब बताएं जिससे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। आपको दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त है। आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या विचार किया है। हे विद्वान और पूज्य सूत गोस्वामी, कली के इस लोह युग में लोगों की आयु न्यून है या बहुत कम है। वे झगड़ालू, आलसी, पदभ्रष्ट, अभागे होते हैं तथा साथ ही साथ सदैव भ्रम पैदा करते रहते हैं। शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न विषयों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु पुरुष, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे उस उपदेश से समस्त जीवों के हृदय पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं। हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस कारण से प्रकट हुए। हे सूत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके कहने या सुनने मात्र से ही मनुष्य का उत्थान हो जाता है। जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी भगवान श्री कृष्ण के नाम से भयभीत रहता है। हे सूत गोस्वामी जी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को भी तुरंत ही पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही व्यक्ति को पवित्र कर पाता है। इस कलह प्रधान युग में पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो भगवान की पुण्य लीलाओं को नहीं सुनना चाहेगा। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण है और नारद जैसे महान विद्वान मुनि सदैव उनका गायन करते रहते हैं। अतः कृपया हमें उनके विविध अवतारों में संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं।
हे परम ज्ञानी सूत जी, कृपा करके आप हमारे लिए भगवान के विविध अवतारों द्वारा की गई दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याणप्रद साहसिक कार्य तथा उनकी लीलाएं उनकी अंतरंगा शक्तियों द्वारा ही संपन्न होती हैं। भगवान की दिव्य लीलाओं का यशोगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों से किया जाता है। हम उन लीलाओं को सुनते हुए थकते नहीं हैं। जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ दिव्य संबंध के लिए रुचि विकसित कर ली है, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं को सुनकर उसके रस का आनंद लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्री बलराम सहित मनुष्य की भांति अनेक क्रीड़ाएं की और इस प्रकार से अपने वास्तविक स्वरूप को छिपाते हुए उन्होंने अनेक अलौकिक कार्य संपन्न किए। हम जानते हैं कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, इसलिए हम इस पवित्र स्थल में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए तथा इस प्रकार का श्रवण यज्ञ संपन्न करने के लिए लंबे समय तक चलने वाले सत्र के लिए एकत्र हुए हैं। हम मानते हैं कि देवी इच्छा ने हमें आपसे मिलाया है, क्योंकि कली रूप दुर्लभ्य सागर मनुष्यों के सत्व का नाश कर देता है और उस कली रूप सागर को पार करने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। क्योंकि परम सत्य योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, अतएव कृपा करके आप हमें बताएं कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है या किसकी शरण ली है। इति श्री श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय मुनियों की जिज्ञासा की समाप्ति।